गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेस्टिस प्रोडक्ट्स लवर चैनल में आपका स्वागत है। कहा जाता है कि एक मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन एक मिनट में लिया गया डिसीशन आपके जिंदगी को बदल सकता है। और मैं उम्मीद करता हूँ वेस्टिस का ये सफर आपका जिंदगी जरूर चेंज करेगी। दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली दो टाइप के लोगों के लिए है। पहला, अभी अभी जिन्होंने वेस्टिस बिजनेस को ज्वाइन किया है, और दूसरा उनके लिए है जिन्होंने इस बिजनेस को कर रहे हैं और उम्मीद के हिसाब से कामयाब नहीं मिल रही है। क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ इस बिजनेस को शुरुआत कैसे करना है और सही तरीके से कैसे करना है। क्योंकि अगर आप इस बिजनेस को सही तरीके से नहीं करेंगे तो इस बिजनेस में आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। उससे पहले आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें, क्योंकि इस चैनल में सिर्फ वेस्टिस रिलेटेड वीडियो ही अपलोड होता है। इस वीडियो में मैं 7 ऐसा बेहतरीन तरीका बताने वाला हूँ जिसको फॉलो करके आप वेस्टिस बिजनेस में 100% कामयाब हो जाएंगे। इस बिजनेस में कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, ना ही आपको कोई दिमाग लगाना है। सिंपली आप ये 7 स्टेप्स को फॉलो कीजिए, क्योंकि इस सिस्टम्स को उन लोगों ने बनाया है जिन लोगों ने इस बिजनेस में सक्सेस हो चुके हैं और 15-16 साल से कंटिन्यू कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने जो गलतियां की है वो गलतियां दोबारा और कोई ना करे और जल्दी से जल्दी सक्सेस हो जाए, इसीलिए ये सिस्टम को बनाया गया है। तो चलिए आप जान लेते हैं वो 7 स्टेप्स क्या है। तो वेस्टिस में सक्सेस होने के लिए सबसे पहला स्टेप है बी ए 100% प्रोडक्ट यूजर। आपकी डेली लाइफ में जो भी सामान यूज करें सिर्फ वेस्टिस का ही करें, क्योंकि वेस्टिस बिजनेस सिर्फ कहने का बिजनेस नहीं है, ये एक करने का बिजनेस है और ये एक प्रैक्टिकल बिजनेस है। जैसे आप बिना साइकिल चलाए साइकिल चलाने का एक्सपीरियंस दूसरे को नहीं बता सकते, ठीक उसी तरह बिना प्रोडक्ट यूज किए वेस्टिस का बिजनेस दूसरे को बताना भी सेम वैसे ही है। अगर आप वेस्टिस का प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तो लोगों को कैसे बताएंगे, क्योंकि वेस्टिस का प्रोडक्ट्स बहुत ही टॉप क्वालिटी का है। ये बात आपको खुद को महसूस होना चाहिए, तभी आप दूसरे को बताने में कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आपका बिजनेस भी बहुत तेजी से ग्रो होगा। इसलिए आपके डेली यूजेस के प्रोडक्ट्स जैसे कुकिंग ऑयल, शैम्पू, साबुन, वॉशिंग पाउडर एटसेट्रा सिर्फ वेस्टिस का ही होना चाहिए। उसके बाद सेकेंड स्टेप है टॉक विथ पीपल अबाउट योर टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट्स। जो आप टॉप क्वालिटी का प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं उसके बारे में दूसरों को भी बताइए, फैमिली, फ्रेंड्स, कोवर्कर सबके साथ डिस्कस करिए और साथ साथ प्रोडक्ट्स भी शेयर करते रहिए। क्योंकि ये तो एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है, आपको अगर कुछ भी अच्छा लगता है तो आप दूसरे को बताते हैं। जैसे कभी अगर अच्छा मूवी देखते हैं, कोई एक अच्छा जगह घूमने जाते हैं, या फिर कोई एक होटल में डिलीशियस एंड टेस्टी खाना मिलता है, हम ऑटोमेटिक दूसरे को बताते हैं और साथ साथ दूसरे को भी रिकमेंड करते हैं। वेस्टिस के प्रोडक्ट्स के साथ भी आप वैसे ही करिए। नेक्स्ट, तीसरा स्टेप है मेक ए लिस्ट। जब भी आप वेस्टिस में ज्वाइन करते हैं और सक्सेस का 100% गोल बना लेते हैं तो सबसे पहले आपको 100 से 200 लोगों का एक लिस्ट बनाना है। बाद में उस लिस्ट में आप नए नए आदमी को भी जोड़ सकते हैं। तो लिस्ट कैसे बनानी है और सबसे पहले आप किन लोगों को इस लिस्ट में इंक्लूड करेंगे, उसका भी एक सिंपल फॉर्मूला है, वो है फ्रेंड्स, अर्थात FRIENDS फ्रेंड्स। सबसे पहले फ्रेंड का लिस्ट बनाइए, फिर रिलेटिव्स को ऐड करिए, फिर इंस्टीट्यूशंस जिन लोगों के साथ आपने पढ़ाई एक साथ किया है, नेक्स्ट ई फॉर एम्प्लॉयज जो लोग जॉब करते हैं उनको इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, नेक्स्ट नाइवर्स जो आपके पड़ोसी हैं उनको भी इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, नेक्स्ट ड्रीमर्स जो लोग बड़े बड़े ड्रीम देखते हैं और बहुत ही पैसा कमाना चाहते हैं उनको भी इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, और लास्ट में है स्ट्रेंजर्स, आपके चलते फिरते जो लोग मिल जाते हैं उनको भी इस लिस्ट में आप ऐड कर सकते हैं। और लिस्ट बनाते वक्त एक चीज आप जरूर ध्यान रखें कि आपको कभी भी प्री जज नहीं करना है, अर्थात मेरा कलीग राहुल उसके पास तो बहुत पैसा है वो कहाँ ज्वाइन करेगा, मेरा बेस्ट फ्रेंड कमल वो तो ये सब चीज में कभी इंटरेस्ट ही नहीं लेता है, सीमा वो तो दूसरे से बात भी नहीं करती, बहुत शर्माती है, वो कैसे करेगी। ऐसे प्रीजज आपको कभी भी नहीं करना है। तो दोस्तों, बोलने का मतलब यही है, आप किसी को भी प्रीजज नहीं करना चाहिए। हो सकता है जिसको आपने बहुत लाइटली लिया होगा उसी ने आपका जिंदगी भी बदल देगा, इसीलिए कभी भी आप अंतर्यामी मत बनिए। उसके बाद चौथा स्टेप है इनविटेशन। तो तीसरा स्टेप में आपने जिस बंदों का लिस्ट बनाया उन्हीं बंदों को आपको मीटिंग के लिए इनवाइट करना है।
अब इनविटेशन तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं और जिन लोगों का आपने लिस्ट बनाया उनको तो आप पर्सनली जानते ही हैं। तो जो लोग बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं उनको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बोल के इन्वाइट करना है, और जो लोग एम्प्लॉय है उनको एक एक्स्ट्रा इनकम अपॉर्चुनिटी बोल के आप इन्वाइट कर सकते हैं, और जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनको एक पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी बोल के आप इन्वाइट कर सकते हैं, और जो लोग हाउसवाइफ है उनको एक वोमेन एम्पावरमेंट प्लान करके या फिर एक कंज्यूमर एम्पावरमेंट के नाम से भी आप इन्वाइट कर सकते हैं, और जो लोग बिजनेस माइंडेड है उनको एक ई कॉमर्स बिजनेस अपॉर्चुनिटी बोल के आप इन्वाइट कर सकते हैं। और इन्विटेशन भी पर्सन टू पर्सन अलग होता है, इसी तरह अलग अलग बंदे को अलग अलग तरीके से आप इन्वाइट कर सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ स्टेप अर्थात पांचवी स्टेप है मीटिंग। दोस्तों मीटिंग भी तीन तरह का होता है, एक होता है पर्सन टू पर्सन मीटिंग। वेस्टीज बिजनेस के बारे में जब भी आप किसी को इन्विटेशन देते हैं वेस्टीज का प्लान दिखाने के लिए उनके साथ आपको एक मीटिंग करने पड़ेंगे। मीटिंग के लिए आप उनके घर जाएंगे या तो फिर वो आपके घर आएंगे या फिर किसी रेस्टोरेंट में या फिर और कोई जगह आप बुलाते हैं जहाँ पे आप वेस्टीज का प्लान उनको दिखाते हैं। ऐसे किसी को अकेले प्लान दिखाने को वन टू वन मीटिंग कहा जाता है। आप वन टू वन मीटिंग जितना करेंगे आपका कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस उतना ही बढ़ेंगे और साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल भी आपका उतना ही बढ़ेंगे। तो ऐसे वन टू वन मीटिंग आपको डेली कम से कम दो करना है। सेकंड होता है हाउस मीटिंग। आप अपने 8-10 दोस्त को किसी एक दोस्त के घर या फिर आपका घर में बुला के और आप अपने अपलाइन को साथ में लेके जाके हाउस मीटिंग कर सकते हैं, जहाँ पे आपका अपलाइन आपके दोस्त को प्लान शो करते हैं। इसे कहा जाता है हाउस मीटिंग। आप जितनी ज्यादा हाउस मीटिंग करेंगे उतनी ही तेजी से आपका बिजनेस भी ग्रो होगा। तीसरा होता है सेमिनार। हर मंथ में कंपनी के द्वारा सेमिनार ऑर्गेनाइज किया जाता है जहाँ बड़े बड़े लीडर्स आते हैं, अचीवर्स आते हैं। तो ध्यान रखें जब भी आपके शहर में कंपनी इस टाइप का सेमिनार ऑर्गेनाइज करे उस सेमिनार में आप जितनी ज्यादा लोगों को लेके जा सकते हैं लेके जाना चाहिए। इससे आपका टीम के अंदर नया मोटिवेशन क्रिएट होगा और आपके डाउनलाइन बड़े बड़े गोल भी सेट करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद सिक्स स्टेप है टीम वर्क। नेटवर्क मार्केटिंग आदमी को जोड़ने वाला एक बिजनेस है। इस बिजनेस में आप तभी सक्सेस हो पाएंगे जब आपका टीम के अंदर बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, या फिर कह लो आपका टीम में सारे लोगों को बहुत स्ट्रॉन्गली जोड़ के रखना पड़ेगा। इसीलिए आपको आपके टीम के साथ हमेशा टच में रहना पड़ेगा, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप बना के हो या फिर आपके घर पर मीटिंग पे बुला के हो, और आपके घर पर आपको हर हफ्ते एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। मीटिंग में आपका अपलाइन को भी बुलाइए और साथ साथ हो सके तो कोई बड़े एक एचीवर्स को भी बुलाने का कोशिश करिए, और उस हाउस मीटिंग में आपका और आपके टीम का सारे डाउट्स क्लियर करने का कोशिश करिए, और टीम को हमेशा मोटिवेट करके रखिए क्योंकि इस बिजनेस में टीम वर्क से ही सबसे ज्यादा सक्सेस मिल जाता है। उसके बाद सबसे लास्ट सेवन स्टेप है फॉलोअप। फॉलोअप दो लोगों के साथ किया जाता है, पहला आपके टीम के साथ, दूसरा उन लोगों के साथ जिन लोगों को आपने प्लान दिखाया था लेकिन उन्होंने ये रिप्लाई दिया था कि मैं सोच के बताऊंगा। उन लोगों को भी फॉलोअप करना है और उन लोगों के साथ मोटिवेशनल स्टोरी, सक्सेस स्टोरी, प्रोडक्ट रिव्यूज या फिर कंपनी का अपडेट्स देके भी आप उन लोगों के साथ टच में रह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के सक्सेस देखने के बाद ही टीम में ज्वाइन करते हैं। इसलिए जो लोग तुरंत ज्वाइन नहीं करते हैं उनको भी लगातार फॉलोअप करते रहिए। आपको ऐसा भी बहुत लोग मिलेंगे जो इस बिजनेस को बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट यूज करना चाहेंगे। उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा आप प्रोडक्ट प्रोवाइड कीजिए और साथ साथ बाकी सारे प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताइए। उनको कंज्यूमर एम्पावरमेंट के बारे में, कंसिस्टेंसी ऑफर के बारे में, मंथली ऑफर के बारे में, रिपर्चेस ऑफर के बारे में, ये सारे ऑफर्स के बारे में जानकारी दीजिए। ऐसा करके आप उनको बहुत ही एक अच्छा कंज्यूमर बना सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का सिर्फ एक ही फंडा है, अपलाइन जो करते हैं आप सीखिए और आपका डाउनलाइन को सिखाइए, अर्थात ये एक कॉपी पेस्ट बिजनेस है। तो दोस्तों वेस्टीज ज्वाइन करने के बाद जो भी लोग ये सेवन स्टेप्स को फॉलो करेंगे वेस्टीज में उनको 100% कामयाबी मिलेंगे। तो आपको याद रखने के लिए ये सेवन स्टेप्स फिर से एक बार बता देता हूँ। 1 यूज द प्रोडक्ट्स। 2 टॉक विथ पीपल अबाउट प्रोडक्ट्स। 3 मेक ए लिस्ट। 4 इन्विटेशन। 5 मीटिंग। 6 टीम वर्क। 7 फॉलोअप। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके टीम में शेयर करिए और बिजनेस में सक्सेस हो जाइए। अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें, क्योंकि इस चैनल में सिर्फ वेस्टीज रिलेटेड वीडियो ही अपलोड होता है। विश यू वेल्थ। थैंक यू।